हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी और आज के इस वीडियो में हम लोग काउंटर और टाइमर को यूज करना सीखेंगे कि हम अपने प्रोग्राम में टाइमर और काउंटर को किस तरीके से यूज करते हैं वो आपको जानने को मिलेगा। इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, एक छोटा सा हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। अगर आप बिल्कुल जीरो से पीएलसी प्रोग्रामिंग एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो आप हमारे एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करके वहां से पीएलसी प्रोग्रामिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो प्रोग्राम हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है, हम लोग इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें टाइमर और काउंटर दोनों ही यूज किए हुए हैं, और इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम काउंटर और टाइमर को यूज करते हैं। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन है हमारी कि प्रेस x0 y0 ऑन। x0 को जब हम प्रेस करें तो y0 ऑन होनी चाहिए, 5 सेकंड के बाद y0 ऑफ हो जानी चाहिए और y1 ऑन हो जानी चाहिए, 8 सेकंड के बाद y1 भी ऑफ हो जानी चाहिए, और यही साइकिल हमारा ऑटोमेटिक 5 टाइम चलते रहना चाहिए और उसके बाद ऑफ हो जाना चाहिए पूरा का पूरा सर्किट हमारा। ठीक है, तो इस सर्किट को हम लोग किस तरीके से बनाएंगे विद हेल्प ऑफ टाइमर एंड काउंटर, तो वो आप यहाँ पे देखिए। इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले ये कह रहे हैं कि प्रेस x0, तो यहाँ पे हम LD x0 एक एनो कॉन्टैक्ट ले लेते हैं और उसके बाद हम आउटपुट लेंगे y0। ठीक है, एंटर मारेंगे, y0 आ गया, उसके बाद यहाँ पे हम इसको लैच करेंगे यानी कि होल्डिंग देंगे, और y0 की ही बिट से हमने इसको होल्डिंग दे दी। एक और नेटवर्क हम यहाँ पे ऐड करेंगे, उसके बाद ये कह रहे हैं कि आफ्टर 5 सेकंड मींस यहाँ पे हमको टाइमर लगाना पड़ेगा, तो LD y0 की ही बिट से हम लोग एक टाइमर को ऑन करवाते हैं, TMR T0, एंड टाइमिंग कितनी बोल रहा है, टाइमिंग बोल रहा है 5 सेकंड, तो हम यहाँ पे लेंगे 50। ओके, तो ये टाइमर आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे एक और नेटवर्क ऐड करते हैं और यहाँ पे हम टाइमर से ऑन करवाते हैं x1 को, क्योंकि ये कह रहा है आफ्टर 5 सेकंड y0 ऑफ एंड y1 ऑन करना है हमने 5 सेकंड के बाद, तो हमको टाइमर की एक बिट लेनी पड़ेगी एनो बिट, और इससे हम लोग आउटपुट ऑन करवाएंगे आउट y1। ठीक है, और हमको y0 को ऑफ भी करना है, तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, LDI T0 एंड एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइमर का T0 का NC बिट ले लिया हमने। चलिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और नेटवर्क ऐड करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने Y0 को ऑफ कर दिया, तो Y0 ऑफ कर दिया तो टाइमर भी ऑफ हो गया, टाइमर ऑफ हो जाएगा तो हमारा Y1 ऑन होगा, बहुत ही थोड़ी देर के लिए होगा, मिली सेकंड के लिए होगा, और तुरंत ही हमारा ये ऑफ भी हो जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या काम करना पड़ेगा, हमको Y1 की ही बीट से इसको होल्ड करवाना पड़ेगा, इसको लैच करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे और Y1। ठीक है, इसको हमने होल्डिंग दे दी। उसके बाद ये कह रहा है कि आफ्टर 8 सेकंड Y1 ऑफ, अब 8 सेकंड के बाद ये Y1 भी ऑफ हो जाना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, LD y1 की ही एक बीट से हम टाइमर को ऑन करवाएंगे, TMR T1, क्योंकि यहाँ पे T0 हमने ले लिया तो यहाँ पे हमको T1 लेना पड़ेगा, और टाइमिंग दे रहा है यहाँ पे हमको 8 सेकंड, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 80। ठीक है, एंटर किया, टाइमर आ गया। उसके बाद ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई 8 सेकंड के बाद Y1 ऑफ हो जाना चाहिए, चलिए Y1 को भी ऑफ कर देते हैं, LDI T1 एंटर, और ये आ गया हमारा यहाँ पे NC। अब देखिए, मेन चीज है, अब यहाँ पे हमें क्या काम करना है, यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक रिपीट साइकिल 5 टाइम्स यानी कि 5 टाइम्स हमारा जो साइकिल है वो ऑटोमेटिक ही रिपीट होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, टाइमर से LD T1 टाइमर से हम एक एमबिट ऑन करवाएंगे आउट M0। ठीक है, M0 ऑन करवा लिया, यहाँ पे हम एक और नेटवर्क ऐड करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे LD M0 की ही बिट से हम लोग यहाँ पे ऑन करवाएंगे काउंटर को। तो काउंटर का सिंटैक्स होता है CNT C0, यहाँ पे कितना बोल रहा है, 5 टाइम बोल रहा है, तो हम यहाँ पे 6 लेके चलते हैं, क्योंकि 5 साइकिल हमारे चलेंगे और 6 पे जब आएगा तो हमारा ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 6 लेके चलते हैं, चलिए कोई बात नहीं, इसको 6 ही रखने देते। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 6 काउंटिंग सेट हो गई है। तो देखिए, यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक रिपीट साइकिल 5 टाइम, तो यहाँ पे हमको 5 साइकल्स ऑटोमेटिक ही रिपीट होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, इसके लिए देखिए यहाँ पे M0 से, देखो पहले तो हम T1 से M0 को ऑन करवा रहे हैं, M0 से हम काउंटर को ऑन करवा रहे हैं, हालांकि यहाँ पे जो हमारा T1 है, T1 Y1 को ऑफ कर दे रहा है, तो उसकी वजह से सारा ही ऑफ हो जाना है इसने। ठीक है, सारा ही ऑफ हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे हमको काउंटर को सिर्फ एक सिग्नल चाहिए होता है, सिर्फ एक हल्का सा सिग्नल इसको मिल जाएगा तो ये 1 काउंट कर लेगा यहाँ पे, इसीलिए
जब T1 Y1 को ऑफ करेगा तो इसके साथ ही ये M0 को भी ऑन करेगा और M0 काउंटर को एक पल्स दे देगा, ठीक है। एक पल्स मिलते ही हमारा काउंटर 1 काउंट कर देगा, ओके। तो ये प्रोसेस हमारा बहुत फास्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं, X0 के ही पैरेलल में हम M0 की एक NO बिट को ऑन करवाते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कमांड और M0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब M0 की पल्स जाएगी काउंटर में तो उसके साथ ही ये एक पल्स यहाँ भी देगा Y0 को और ये Y0 को ऑन कर देगा। हालांकि एक हल्की सी पल्स देगा, वो हमको यहाँ पे शायद दिखेगी भी नहीं जब हम इसको सिमुलेट करेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये इसको एक पल्स देगा और Y0 हमारी ऑन हो जाएगी, उसके बाद Y0 की ही बिट से होल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, साइकिल रिपीट हो जाएगा हमारा, और 5 साइकिल कंप्लीट होने के बाद ये ऑटोमेटिक सारा सिस्टम ऑफ हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, LDI C0 का यहाँ पे NC यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस जो है वो 5 साइकिल कंप्लीट होने के बाद ऑफ हो जाएगा। चलिए अभी हम लोग क्या काम करते हैं, इसको डाउनलोड टू PLC एंड कंपाइल करते हैं, उसके बाद हम इसको फिर ऑनलाइन चेक करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये कंपाइल एंड डाउनलोड टू PLC हो गया। अब मैं जैसे ही X0 को सेट ऑन करके सेट ऑफ करूंगा तो हमारा ये प्रोसेस ऑन हो जाएगा। तो इसको मैं सेट ऑन करके सेट ऑफ कर देता हूं, इसका मतलब ये है कि मैंने NO पुश बटन को प्रेस करके छोड़ दिया है, ठीक है। तो हमारा प्रोसेस चालू हो गया, 5 सेकंड के बाद हमारा Y1 ऑन हो गया और Y0 ऑफ हो गया, ठीक है। और 8 सेकंड के बाद, अभी देखना आप, 8 सेकंड के बाद यहाँ पे देखो 1 काउंट हो गया, ठीक है। 1 काउंट होते ही हमारा ये प्रोसेस अगेन चलने लग गया, ठीक है। 8 सेकंड हुए, यहाँ पे 2 काउंट आ गया और उसके बाद Y0 हमारा फिर से ऑन हो गया, ठीक है। अब 5 सेकंड के बाद Y0 ऑफ हो गया, Y1 ऑन हो गया। अब ये प्रोसेस जो है हमारा वो इसी तरीके से चलता रहेगा और जैसे ही हमारे साइकिल कंप्लीट होंगे जितने हमने काउंटर में डाल रखे हैं, तो उसके बाद ऑटोमेटिक हमारा जो ये C0 था, जो ये C0NC हाई है यहाँ पे, ये C0 हमारा NO बन जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे लो सिग्नल हो जाएगा इसका, ओके। तो ये साइकिल हमारा इस तरीके से यहाँ पे चलता रहेगा। तो इस टाइप के अगर आप लोग लॉजिक बनाना चाहते हो, इस टाइप के अगर आप लोग प्रोग्राम अगर आपको कहीं पर भी बनाना है तो वो आप यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे टाइमर एंड काउंटर की मदद से काफी इंटरेस्टिंग लॉजिक बनते हैं, ओके। तो आप यहाँ पे वो सब चीजें कर सकते हो। बाकी आप लोग टाइमर एंड काउंटर की मदद से कंपेयर ब्लॉक अगर आप जानते हो कि कंपेयर ब्लॉक किस तरीके से यूज करते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, तो आप लोग वहां पर भी टाइमर और काउंटर दोनों के ही साथ में आप लोग कंपेयर ब्लॉक में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे C0 इक्वल टू 6 कंप्लीट होगा, यहाँ पे 6 साइकिल कंप्लीट होंगे, तो कंप्लीट होते ही यहाँ पे क्या होगा, ये C0 हमारा NO बन गया, ठीक है। ये लो हो गया, अब ये यहाँ पे ऑन, इसको Y0 को ऑन नहीं करेगा। काउंटर में एक बार अगर काउंटिंग पूरी होगी तो उसके बाद हमें क्या काम करना पड़ता है, इसको रिसेट करवाने के लिए एक रिसेट की कमांड यूज करनी पड़ती है। जैसे हम टाइमर को रिसेट करते हैं, सेम इसी तरीके से हम काउंटर को भी रिसेट करते हैं। अगर आपको PLC प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और भी वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे, ओके गाइस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।